Hi friends, welcome to a new video. So today I am going to change the aquarium water. So let's start. Aquarium का पानी चेंज करने के लिए मुझे इस equipment का ज़रूरत होगा जो कि एक plastic product है. तो इसके अंदर हम पानी आसानी से aquarium से निकाल सकते हैं. तो कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ. तो मैं पहले एक बड़ा सा पॉट में पानी आधा भर चुका हूँ. पहले फिशेस को पूरा ट्रांसफ़र करूँगा इसके अंदर, उसके बाद पानी खाली करेंगे. तो एक एक करके सभी मच्छी को पकड़ते हैं. तो अभी मैंने सभी फिशेस को पकड़ के इस बकेट में डाल दिया हूँ. इसके अंदर थोड़ा साफ सुथरा दिख रहा है सभी फिशेस. ये वाला मैं नया ला के डाला हूँ, ये जो छोटा काला है इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल था. चलो अभी पूरा पानी ट्रांसफ़र करेंगे. मैंने एक बकेट रखकर रख दिया. अब ये जो प्लास्टिक है इसका यूज़ अभी होगा. तो इसका दो जो एक जो ये जो पॉइंट है, ये जो पंपिंग करने वाला है इसको इधर डालना है बकेट में. और इसका जो लास्ट पॉइंट है, ये जो कप जैसा है, तो इसके अंदर क्वेरे में डुबाएंगे. को मैंने पानी में डुबा दिया. अब क्या करना है कि ये जो पंप है इसको थोड़ा पंप करो. जब पानी आ गया देखा, इतना ही है काम. अब ऐसे रख दो, अपने आप पूरा पानी बकेट में आ जाएगा. तो थोड़ा वेट करते हैं. इनका पानी पूरा निकाल चुका हूँ और पत्थर को इसके अंदर डाल दिया हूँ. तो इसका फंक्शन बता देता हूँ, जो कि एक लाइट यहाँ लगा होगा. तो येलो रेड सभी कलर है. और यहाँ पे इसका मोटर लगा हुआ है. तो मोटर से नीचे से पानी खींचेगा. मोटर नीचे से पानी खींच कर इस पाइप से इसके अंदर जाएगा. और इसमें एक होल है जो कि इस होल से इसके अंदर गिरेगा पानी. नीचे से जो आ रहा पानी सीधा इसके अंदर आएगा और इसमें से नीचे गिरेगा. इसमें से जो गिरने वाला पानी है, ये जो स्पंज रखा हुआ है, ये स्पंज लगा है, तो स्पंज के अंदर इसके अंदर से गुजर के नीचे जाएगा. तो इसके अंदर से फिल्टर होता है. तो ऐसे ही वर्क करता है. तो ये स्पंज पूरा गंदा हो चुका है, वो सब धोना पड़ेगा. चलो देखते हैं. तो चाइनीज एक्वेरियम पूरा क्लीन हो चुका है, वॉश कर दिया हूँ और स्टोन भी वॉश कर चुका हूँ. वैसे थोड़ा पॉलिश्ड स्टोन है और बड़ा है तो जल्दी साफ़ हो सकता है. तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, साफ़ हो चुका है. तो अभी हकेरे में फिशेस को और पानी भरना है. चलो फिल करते हैं. तो अभी मैंने पूरा फिल कर चुका हूँ और वैसे क्लियर तो है. और एक राउंड फिल्टर होने के बाद और भी क्लिस्टर क्लियर वाटर हो जाएगा. तो आज के लिए यही था. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. नए एक वीडियो के साथ फिर मिलेंगे. जब तक के लिए बाय बाय.